बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमूर्ति मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीषतों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुधवार को मेरे ही चैनल प्रॉफिट सुमन दीप मिनिस्ट्री यूट्यूब पर लाइव नहीं जुड़ते हैं। जब तक आप लाइव नहीं जुड़ोगे आपके जीवनों में चमत्कार कैसे होंगे? जब तक आपके अंदर वचन नहीं जाएगा आपके अंदर चमत्कार नहीं होंगे। जब तक बीज नहीं बोया जाएगा पौधा नहीं उगेगा। बीज डालने के बाद उसमें अगर खाद और पानी नहीं दिया गया तो वो बीज जमीन में ही रह जाएगा, कभी नहीं फूलता। इसलिए लाइव में कुछ बातें ऐसी होती हैं, परमेश्वर का जलाल होता है और जब आप उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। मैंने मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना की, कर्जे से छुटकारे की प्रार्थना की, चमत्कार की प्रार्थना की। हम इस बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं और जब आप लाइव नहीं जुड़ोगे तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें। आज की हमारी प्रार्थना है लहू बहने के रोग से छुटकारा। लहू बहने का रोग, बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं कि हमें लहू बहने का रोग है और बहुत लोग ने विश्वास के द्वारा जब प्रार्थना करवाई उनका लहू बहना बंद हुआ। और कुछ समय पहले एक भाई भी मुझसे प्रार्थना करवा रहा था कि उनका लहू चलता रहता है, लहू बहता रहता है, बंद ही नहीं होता। बहुत परेशान है, बहुत ट्रीटमेंट ले रहे, बहुत दवाई ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ऐसे लोग जिन्हें लहू बहने का रोग थे और परमेश्वर ने जब हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आपके किसी परिवार के सदस्य का अगर आपका ऐसे लहू बहने का रोग है तो परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो आपके जीवनों में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र वचन में से अगर हम जानते हैं, अगर हम पढ़ें मरकुस 5:25, यहाँ पर एक स्त्री है जिससे लहू बहने का रोग है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 2 दिन से नहीं, 3 दिन से नहीं, 6 महीने से नहीं, 6 साल से नहीं, बल्कि पूरे 12 साल से लहू बहने का रोग। आम से बहुत ऐसे लोग जिन्हें लहू बहने का रोग है, 6 साल से नहीं, 6 महीने से नहीं, बल्कि 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल से लहू बहना कितनी बड़ी बात है, लहू निकलना कितना भयंकर रोग। वचन कहता है कि उसने बहुत वेदों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी होती रही। किसी आप जैसे भाई बंधु ने बोला, लेडीज की बात कर रहा हूं मैं, कि वहाँ इलाज करवाओ। आप जाते रहे उस डॉक्टर से इलाज, उस वैद से इलाज, इससे ही ये बहन करती रही। इसने इतना इलाज करवाया, जगह जगह पर वैद्यों से इलाज करवाया और अपना जो भी इसके पास धन संपत्ति थी, जो भी इसके पास पैसा था, इसने सब कुछ पैसा, सब कुछ धन उसको पर लगा दिया, सब कुछ माल अपना बेच दिया इसने, लेकिन और भी दुखी होती रही। लेकिन वचन कहता है उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके वस्त्र को छू लिया और वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने विश्वास पहले से रखा हुआ था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके वस्त्र को मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक दिन वो पल आता है और एक दिन वो घड़ी आती है और जिस दिन परमेश्वर वहां से गुजर रहे होते हैं, वे भीड़ में से जाती है और प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लेती है और कहती है कि उसका विश्वास है कि वह कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह का पल्ले को छूने से वह चंगी हो जाएगी, उसके कपड़े को छूने से वह चंगी हो जाएगी। और वहां पर क्या हुआ, जैसे वो जा रही, जैसे उसने छुआ, परमेश्वर ने उस बात को स्पष्ट किया अपने शरीर के अंदर, उस टच को फील किया कि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया, विश्वास से छुआ किसी ने मुझे, विश्वास से छुआ है। चेले कहते प्रभु इतनी भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है, कोई भी छू सकता है। उसने कहा नहीं, किस तरह मुझे विश्वास से छुआ है और उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। अगर आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उस स्त्री को बुलाया, वो डर गई थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसने विश्वास किया।
अगर आप आज विश्वास करते हैं तो अपने पेट पर हाथ रखें, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। ओ हालेलुया, अपने आप को तैयार रखें, विश्वास करें। ये कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। आप विश्वास करें कि मैं इस प्रार्थना को सुनूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। इस प्रार्थना को सुनते सुनते मेरे लहू बहने का रोग बंद हो जाएगा, जो सालों साल पुरानी बीमारी है। एक बार नहीं, अब जितनी बार सुनोगे उसको उतनी बार परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेगी। हालेलुया, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैंने कोई चमत्कार नहीं करना, चमत्कार करना है परमेश्वर यहोवा ने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन में चमत्कार करना है। इसे अपने पेट पर हाथ रखे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, अध्याय करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है आप, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनका जो भी लहू बहने का रोग है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी कमजोरी, सारी वीकनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका शरीर का शर्ट और निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये लहू बहने का रोग बंद हो जाए, लहू बहना बंद हो जाए, लहू बहना बंद हो जाए। ये जो लहू बहने का रोग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीरों का ये रोग छोड़े और निकले। चंगा करने वाले परमेश्वर महान है आप, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी है मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जो भी रोग है, इस सिर से लगे पांव तक हर एक रोग इस शरीर का शर्ट और निकलने पाए। चंगा करने वाले परमेश्वर, लहू बहने का रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर का शड़े और निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये लहू बहने का रोग इनके शरीर का शड़े और निकले। चंगा करने वाले परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनके जीवनों में ये लहू बहने का रोग इसी पल, इसी घड़ी इनका शरीर का शड़े और निकले। चंगा करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाई कि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, प्रॉफिट सुमन ने जब प्रार्थना की, और यहोवा परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और हमारा लहू बहना बंद हो गया। आप अपनी गवाही को भेजिए, क्योंकि मैं विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवनों में चमत्कार कर दिया है और निश्चय आपने चंगा छुटकारा पा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।